हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विमल कुमार, और आप देख रहे हैं मेरे साथ सर को। सर है ट्रांसपोर्टर, एक फ्लीट ऑपरेटर है। जी हाँ सर, आपका नाम क्या है आप पहले बताइए। सर मेरा नाम राहुल गुप्ता है। राहुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, और क्यों जुड़े हैं आज बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। तो राहुल जी, ये वीडियो का पर्पस क्या है आप ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊँ। सर आज मुझसे रिव्यू लेना चाहते हैं जो फ्लीट एज सॉफ्टवेयर है उसके रिगार्डिंग। देखिए आपने खुद बता दिया, अब मैं करता हूँ गाड़ियों का रिव्यू। ठीक है, गाड़ी या पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का तो हम करते हैं, बट आज सर देखिए रियल लाइफ के अंदर जो फ्लीट एज प्लस एप्लीकेशन है उसके बारे में बताएंगे सर कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा और कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर का। तो सर आप इस ओवरऑल ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कब से हैं? सर जो मुझे टाइम हो गया इस बिजनेस में, मैं आया था इधर 2014 में। जी सर, कम है 10 साल कम से दस साल कम से कम मुझे हो गया है। जी सर, ट्रांसपोर्ट लाइन में जी। तो ये जो फ्लीट एज आया है ये आया है 2020 में। 2020 में, राइट। ठीक है, 2020 से मैं अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है जी, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमें बेनिफिट देती हैं। क्या बेनिफिट देती हैं? पहला, हम ड्राइवर को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशंस देख सकते हैं गाड़ी कहाँ पर है, और इसमें ड्राइविंग का बिहेवियर देख सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, गाड़ी की सर्विस बुक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे आप अपने सिस्टम से इन हैंड से अपने आप कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी फ्लीट अच्छा जाने से पहले। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके पास कितनी फ्लीट है, टोटल फ्लीट कितनी है? सर जो हमारे पास टोटल फ्लीट है 150 है। 150 में से आप टाटा की कितनी सर फ्लीट यूज़ कर रहे हैं अभी? सर जो हम फ्लीट यूज़ कर रहे हैं अभी टाटा की, वो कर रहे हैं 17 है। और फ्लीट एच प्लस कितने में यूज़ कर रहे हैं? फ्लीट एच प्लस अभी यूज़ कर रहे हैं 18 में। 18 में गाड़ी में यूज़ करें तो उसके अंदर कुछ सर BS4 BS6 का मिक्सअप होगा आई थिंक, क्योंकि 2020 से आप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि शायद ये पॉइंट बनता है। सर जो फ्लीट एज है वो खाली BS6 के लिए आया है, BS4 के लिए नहीं था। अच्छा जी, हाँ जी। तो BS6 का जो आया है वो 2020 से आई है जी, तो ये सिस्टम खाली BS6 में ही है फ्लीट एज का। तो सर मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा आपका कि फ्लीट एज का जो फीचर है, सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगता है? सर सबसे जो बेस्ट फीचर ये है कि आप माइलेज ट्रैक कर सकते हो आपकी गाड़ी की कितनी है। पहले हम ड्राइवर को गाड़ी देते थे, वो ये बोलता था हमेशा कि मेरी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। अच्छा जी। तो हमें भी मानना पड़ता था कि माइलेज नहीं दे रही है, ठीक है, तो हम उसे एक्स्ट्रा पैसे देते थे उसके लिए। ओके। कि हाँ, आपकी माइलेज नहीं दे रही है, आपको कुछ नहीं बच रहा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे देते थे। मतलब कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है इसके अंदर। नुकसान हो रहा था क्योंकि ड्राइवर जो बोल रहा है हमें मानना पड़ता था। अच्छा जी। अब ये क्या है कि अब हम ट्रैक कर सकते हैं खुद हमारी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। अच्छा सर, कि ड्राइवर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो अब ड्राइवर इसमें झूठ नहीं बोल सकता कि माइलेज गाड़ी दे रही है या नहीं दे रही। सर जैसे आपका काम है बिजनेस, उसमें एक पॉइंट आता है कि सर आपको आपकी गाड़ी भेजनी पड़ती है, मतलब इसके अंदर कोई आपकी टाइम का एक तरह से रेगुलेशन तो होती नहीं है। ठीक है सर, कब आपको गाड़ी भेजनी है, कब आपकी गाड़ी लोड होनी है, तो इस केस में सर आपका फ्लीट एज कितना काम आ रहा है आपको? सर इसमें क्या होता है कि ड्राइवर को मैंने बोल दिया कि गाड़ी लोड करके लेके आना है, ठीक है, अब ड्राइवर गया है या नहीं गया है मुझे फ्लीट एज से आप ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता। मेरे को ड्राइवर को कॉल नहीं करनी पड़ेगी इसमें कि ड्राइवर तुम कहाँ पर हो, कब गाड़ी खाली करोगे, या टाइम से उसने गाड़ी खाली कर दी है। मैं ट्रिप जनरेट कर सकता हूँ इसके अंदर, बैक ट्रिप्स को देख सकता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी अनलोड हो चुकी है जी। ऑफिस के बाद सर ये कितनी यूज़फुल है? ऑफिस के बाद सर ये फ़ोन में हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जिससे मैं कभी भी एनी टाइम 24 आवर कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर पर यूज़ कर रहा हूँ तभी मैं ऑफिस टाइम में यूज़ कर सकता हूँ, मैं फ़ोन के अंदर इजी टू एक ऐप है फ्लीट एज के नाम से, मैं कभी भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, और फ़ायदा सर इससे कितना हो रहा है आपको, कितना बचा पा रहे हैं इसमें? सर बेनिफिट इतना है कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि पहले ये था कि जो ड्राइवर बोलता था वो मुझे मानना पड़ता था, अब मैं जो बोलता हूँ वो ड्राइवर को मानना पड़ता है, क्योंकि जो मुझे पता लगता है वो फ्लीट एज से पता लग जाता है। अच्छा, और कितना एक ऑन एवरेज आप कितना खर्चा दे रहे हैं फ्लीट एज में? फ्लीट एज में सर पर जो प्रीमियम है 4,300 समथिंग था। अच्छा, पर व्हीकल जो इसका प्रीमियम है 1 ईयर का। जी जी। और जो शायद अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हो तो उसका थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। तो आप कौन सा प्रीफर करते हैं? सर देखो, अगर जिसको सारी चीज़ें ट्रैक करनी है, ठीक है, जिसको ड्राइवर का बिहेवियर और एक्सवाइजर, मतलब जिसको सारी चीज़ें ट्रैक करनी है उसको प्रीमियम लेना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल ट्रैकिंग करनी है कि गाड़ी के माइलेज क्या है, ड्राइवर का बिहेवियर क्या है, वो आप नॉर्मल प्लान से भी कर सकते हो, अपना इनका जो स्टैंडर्ड प्लान है। गाड़ी है आपकी ये 1212। हाँ जी। क्या कॉस्टिंग पड़ी थी? सर जो गाड़ी की ये कॉस्ट पड़ी थी तब मेरे को ये 16 लाख की पड़ी थी। 16 लाख सर छोटी अमाउंट तो नहीं होगी? सर छोटी अमाउंट नहीं थी, पर ये था कि टाटा का भरोसा था। और सर एक और छोटी बात, 16 लाख कहाँ है मेरे? सर 16 लाख सेफ जगह पर है।
फ्लीट एज के थ्रू? फ्लीट एज के थ्रू सर। तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है सर आपको। यस सर। तो आप एक इतना अमाउंट जो भी है आपने जो बताया 4-5 हज़ार जो भी आपने बताया जो भी है तो आपके लिए बेनिफिशियल है सर? मेरे लिए बेनिफिशियल थे, मुझे नहीं लगा कि मैंने ये गलत जगह पैसे लगाए। अच्छा, यानी एक सेकंड इंश्योरेंस होगा आपकी गाड़ी? हाँ, तो सेकंड इंश्योरेंस होगा सर। ऐसे आप मान के चलिए कि गाड़ी का एक फंड इंश्योरेंस अपना इंश्योरेंस तो होता ही है, ये सेकंड इंश्योरेंस हो गया और एश्योरेंस हो गया कि आपकी कमाई आपकी इसमें बढ़ेगी। मतलब जितने पैसे मैंने लगाए हैं इसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, मैंने उससे कई गुना मैंने वसूल लिए। अच्छा, तो आपके मतलब मुनाफे का ये पार्टनर बन गया? ये मुनाफे का पार्टनर बन गया है मेरा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे बेनिफिट ही दिया है। टीम के बारे में क्या कहेंगे आप फ्लीट एज की? जो फ्लीट एज की टीम है सर, पूरा सपोर्ट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी कभी थोड़ा बहुत आता है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसका जी। तो राहुल जी, आपसे एक छोटा सा एक और पॉइंट पूछना चाहूँगा सर। आप एक शिक्षक बन गए अब तो, अपने ड्राइवर को आपने कितना क्या सिखा दिया इससे? सीख रहे हैं आपसे ड्राइवर, आपसे फ्लीट एज के थ्रू? सर, ड्राइवर को मैंने पूरा ट्रेंड कर रखा है इस चीज़ के कि पहला तो मैंने उनको ये बता दिया है कि आप जो भी कर रहे हो वो मुझे पता है, ठीक है, कि आप गाड़ी सही चला रहे हो या गलत चला रहे हो, आपकी गाड़ी में डीजल कितना है। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि डीजल नहीं है गाड़ी में। अच्छा, ठीक है, मैं भी ड्राइवर को बता देता हूँ, कभी ड्राइवर को नहीं पता होता कि डीजल कितना है। तो मतलब वो भी मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं भी कुछ इनको सिखा रहा हूँ। ड्राइवर का बिहेवियर कि वो गाड़ी को टर्न हार्श टर्न ले रहा है, हार्श ड्राइविंग कर रहा है, हार्श एक्सेलरेशन ले रहा है, ब्रेकिंग ले रहा है या हार्श ब्रेकिंग ले रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मैं ड्राइवर को खुद बता देता हूँ कि तुमने इस राउंड में, इस ट्रिप में आपने इतने ऐसी गाड़ी चलाई है। तो एक ड्राइवर की रिपोर्ट जनरेट होती है, उस जनरेट को मैं ड्राइवर को दिखाता हूँ जिससे वो अपनी ड्राइविंग को सुधारने की कोशिश करता है और रोड्स को सेफ रख सके, आपके माल को और गाड़ी को सेफ रख। यस सर, वो सारी चीजें सर बहुत हेल्पफुल होती है फ्लीट एज से। तो आप बिल्कुल प्रीफर करेंगे दूसरे फ्लीट ऑपरेटर्स को? हाँ सर, बिल्कुल फ्लीट एज लेना चाहिए, ये आपका मतलब बेनिफिट के लिए है। आपको कभी लॉस नहीं देगा, आपको मतलब जो भी चीजें हैं एक्चुअल दिखाएगा। आप ये नहीं है कि ड्राइवर के ऊपर रहोगे, ड्राइवर जो बोलेगा वो सही है। आप फ्लीट एज आपको ये चीज़ बताएगा कि आपको ड्राइवर कैसी गाड़ी चला रहा है, माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, गाड़ी में आपके में पेट्रोल कितना, सॉरी डीजल कितना है गाड़ी के अंदर, मतलब और एक्यूरेट लोकेशन बताएगा, जिससे अगर आप ड्राइवर झूठ भी बोल रहा हो तो आप इजीली उसे पकड़ सकते हैं। और प्रॉब्लम सर गाड़ी में जो आती है वो? सर गाड़ी में प्रॉब्लम तो सर हर किसी में आती है, थोड़ी बहुत आती है तो उसको तो कोई इशू नहीं है सर। तो दिखाता है ना फ्लीट एज आप? सर फ्लीट एज पूरा दिखाता है, जो भी सेंसर इसमें दिखाएगा गाड़ी के अंदर, जो भी बीप करेगा वही सेम फ्लीट एज के अंदर दिखाएगा। अच्छा, तो आप प्रीफर बिल्कुल करेंगे? सर बिल्कुल प्रीफर करेंगे। छोटा सा सवाल एक और। यस सर। आगे कितनी गाड़ी ले रहे? सर आगे का प्लान देखो, ये तो आपको भी नहीं पता होता, ना ही मुझे पता होता है कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाओगे। बस ये है, कुछ तो आइडिया होगा सर आगे, यही है कि गाड़ियाँ कंटिन्यू आती रहती हैं, तो यही है कि 10 या 15 गाड़ी ले सकते। फ्लीट एज कितने मिलोगे सर उसमें? फ्लीट एज तो सर सब में ही, फ्लीट एज तो सर गाड़ी तो आएगी तो फ्लीट एज के साथ आएगी, वरना नहीं आएगी। अच्छा, तो आप इतना सेटिस्फाई है? यस सर, बिल्कुल। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राहुल जी हमारे। और दोस्तों मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कि फ्लीट एज के कितने फ़ायदे नफे नुकसान हम बताएंगे तो वो अलग बात है, बट जब एक खुद ऑपरेटर बताएंगे, एक यूज़र बताएंगे, उसका अलग ही वजन पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कमेंट में अगर कोई राय देना चाहते बिल्कुल दे सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो के लिए मैं विमल कुमार दूंगा विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर। और जी हाँ, कमर्शियल ड्राइवर या फ्लीट ऑपरेटर है तो फ्लीट एज से जुड़िए और अपने मुनाफे को बढ़ाइए। धन्यवाद।